आज हम बनाएंगे डोरा केक्स, बच्चों के फेवरेट, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये हम बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी कि 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही जल्दी। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिया है मैंने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स के। ये एक पैकेट के अंदर 12 बिस्किट निकलते हैं, ऐसे मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये डोरा केक बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को इंस्टेंट कभी कुछ नया खिलाने का मन करे तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से हम क्रीम बाहर निकाल लेंगे, मतलब हम बिस्किट से क्रीम अलग कर लेंगे। हम ऐसा सारे बिस्किट्स के साथ करेंगे। देखिए सारी बिस्किट्स में से मैंने क्रीम निकाल ली है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 पूरे अंडे, यानी कि इसके हम एग वाइट्स या येलो हम अलग नहीं करेंगे, हम कच्चे अंडे पूरे पूरे तोड़ के इसके अंदर डायरेक्टली डाल देंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस जगह पे मिल्क में डाल सकते हैं 1/2 कप। एक चौथाई ग्लास मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का था और मैंने पीस लिया है। देखिए पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानी से थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है, पर हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि दोस्तों, क्योंकि अभी हमने बेकिंग सोडा डाला है, तो अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रखा छोड़ देते हैं ताकि बेकिंग सोडा के साथ फर्मेंट हो जाए। उसके बाद हम तवा लेंगे। तवे के ऊपर हम कोई भी एक चम्मच सेट कर लीजिए, उस हिसाब से आप डोरा केक का मिक्सचर डालिए इसके अंदर। आपको फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये इतना अच्छा कंसिस्टेंसी का है कि आप जिसे डालेंगे वो अपने आप ही शेप ले लेगा। जैसे इसके अंदर ऊपर आपको ऐसे बबल्स दिखाई दे ना, तो आप समझ जाइए कि नीचे से आपका डोरा केक पक चुका है, तो आप पलट सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम इस तरफ से भी करीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम रखी है मैंने मीडियम। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है डोरा केक। ऐसे करके हम सारे बैटर के डोरा केक्स तैयार कर लेंगे। जैसे बबल दिखेंगे हम पलटेंगे, दूसरी तरफ से हम 2 मिनट फिर से पकाएंगे और उतार लेंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, ये कच्चे नहीं रहेंगे। अब जो हमने बिस्किट्स के बीच में से क्रीम निकाली थी ना, उसके अंदर या तो आप ऐसे मेरी तरफ व्हिप्ड क्रीम डाल करके मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कोई अमूल क्रीम या मलाई, दूध की जो हमारी निकलती है ना, हाँ वो डाल के भी हम एक साथ अच्छे से मिक्स करके एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैंने कोई शक्कर वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम मीठी होती है इसलिए। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से डोरा केक के ऊपर फैला लिया है। और दूसरे डोरा केक से इसको अच्छे से दबा के बंद कर लीजिए। आउटर लेयर को अच्छे से दबाइए दोस्तों, ये अपने आप अच्छे से चिपक जाएगा।
देखिए जैसे मैंने दबाया ना वैसे ही दबा लीजिए। चलिए इसको काट के देखते हैं कैसे दिख रहा है अंदर से। देखिए लग रहा है ना सुपर्ब एंड टेस्टी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।